वन डायमेंशनल मोशन और सर्कुलर मोशन, दोनों को कंपेयर करने वाले। तो सबसे पहला पॉइंट, यहां पे ऑब्जेक्ट इस स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो दैट विल बी वन डायमेंशनल मोशन, और ऑब्जेक्ट इस सर्किल पे घूमेगा तो दैट विल बी सर्कुलर मोशन। तो यहां पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। पोजीशन क्या होता है हमें पता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर यहां पे है पी वन पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे कि उसकी पोजीशन एक्स जो है वो प्लस टू है, जनरली इस तरीके से लिखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर है पी टू पे, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी जो पोजीशन है वो एक्स इक्वल्स टू माइनस टू है। सही बात है। इस पोजीशन को टू बी मोर एक्यूरेट वी कैन ऑल्सो टेल लीनियर पोजीशन, इसको हम लीनियर पोजीशन ही बोल सकते हैं। तो जिस तरीके से यहां पे लीनियर पोजीशन होता है, वैसे यहां पे होता है एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, तो सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ऑब्जेक्ट यहां पे पी वन पे एट एन एंगल ऑफ से पाई बाई थ्री, तो हम बोलेंगे उसका एंगुलर पोजीशन थीटा इज पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री। तो यहां पे पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो हम ओरिजिन से डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं। यहां पे जब हम पोजीशन की बात कर रहे होते हैं तो हम इस एंगल की बात कर रहे होते हैं। तो यहां पे ओरिजिन से डिस्टेंस की बात क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि वही चेंज होता है, वही चेंज होता है, थीटा चेंज नहीं होता है। और यहां पे थीटा की ही बात करते हैं क्योंकि थीटा चेंज हो रहा होता है। तो यहां पे इसको बोलते हैं लीनियर पोजीशन, इसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। जैसे देखो यहां पे जो लीनियर पोजीशन है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, वैसे एंगुलर पोजीशन की भी कहानी है। सपोज करो ऑब्जेक्ट अगर इधर है P2 पॉइंट पे और ये एंगल पाई बाई थ्री है, तो हम बोलेंगे एंगुलर पोजीशन एट P2, पहले वाला P1 पे था, एंगुलर पोजीशन एट P2 विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री, माइनस पाई बाई थ्री। तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल बन रहा है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं जनरली, और एक्स एक्सिस के नीचे एंगल बन रहा है तो उसको हम निगेटिव लेते हैं, तो पोजीशन माइनस पाई बाई थ्री हो जाएगी। अब समझ रहे होंगे बात। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। जैसे कि सपोज करो कि ऑब्जेक्ट जो है पी वन पे था और बाद में वो पी थ्री पे चला गया, ऑब्जेक्ट P1 से P3 चला गया, P1 से P3, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हैं उसका, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तरीका होता है डिफाइन करने का। तो फाइनल पोजीशन उसका हो जाएगा 3 और इनिशियल 2, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 1। इसको मोर एक्यूरेटली हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वैसे यहां पर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करेंगे, आप समझ गए होंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स था, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा डिफाइन किया जाएगा। तो दिस विल बी फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा। तो सपोज करो ऑब्जेक्ट पी वन से पी थ्री पे आता है, पी वन से पी थ्री पे आ जाता है यहां से घूमते हुए, ठीक है, और ये जो एंगल है ये दिया हुआ है टू पाई बाई थ्री। तो अगर पी वन से पी थ्री तक ऑब्जेक्ट आया है तो हम उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, फाइनल एंगुलर पोजीशन दैट इज टू पाई बाई थ्री माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन दैट इज पाई बाई थ्री। सो द आंसर विल बी पाई बाई थ्री, दैट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो आप देख सकते हो जिस तरीके से लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया जाता है एज चेंज ऑफ एक्स, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया गया है चेंज ऑफ थीटा। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे वन डायमेंशनल मोशन में टर्म्स होते हैं वैसे वैसे सर्कुलर मोशन के ये टर्म्स हैं। जैसे तीसरे टर्म की अगर हम बात करें तो यहां पे हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं वन डायमेंशनल मोशन में, जिसको हम जनरली सिर्फ वेलोसिटी बोल देते हैं, एंड दैट इज डिफाइंड एज डीएक्स बाई डीटी, लीनियर वेलोसिटी। वैसे आप समझ गए होंगे यहां पे हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, एंड दैट विल बी डिफाइंड एज व्हाट, अगर यहां पे डीएक्स बाई डीटी आ रहा है तो यहां पे क्या आना चाहिए, डी थीटा अपॉन डीटी। इसको सिंबल ओमेगा से डिनोट किया जाता है, ओमेगा से। जैसे यहां पे वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है। अगर ऑब्जेक्ट तेजी से चल रहा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे चल रहा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, सही। वैसे एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट कितने जल्दी घूम रहा है। लीनियर वेलोसिटी का मतलब ऑब्जेक्ट कितने जल्दी चल रहा है।
एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ऑब्जेक्ट कितना जल्दी जल्दी घूम रहा है। ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होगा ऑब्जेक्ट और बहुत जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी घूम रहा है, और कम एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है ऑब्जेक्ट धीरे 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 घूम रहा है। ठीक, तो आप देख सकते हैं दोनों जगह पे हम सेम टाइप के वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं। ये जो वेरिएबल्स होते हैं, ये जो वेरिएबल्स हमारे पास, इनको हम एंगुलर वेरिएबल्स बोलते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे पोजीशन की यूनिट क्या होती है, मीटर, मीटर होती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, क्योंकि दो पोजीशन को हम सब्ट्रैक्ट ही कर रहे होते हैं तो इसकी यूनिट भी मीटर ही होती है, और वेलोसिटी की यूनिट हो जाती है मीटर बाय सेकंड। ठीक है, वैसे यहां भी कुछ यूनिट्स की बात कर लें तो एंगुलर पोजीशन में हम एंगल मेजर कर रहे होते हैं, एंगल, यहां पे यूनिट रेडियन होती है, रेडियन, डिग्री नहीं होती है, डिग्री नहीं होती है, ध्यान दें, तो ऐसा यूनिट विल बी रेडियन, रेडियन। ठीक है, क्योंकि एंगल की ऐसा यूनिट ही रेडियन होती है। वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम दो एंगल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां पे भी यूनिट जो है वो रेडियन होगी, और ओमेगा की यूनिट क्या होगी, दैट विल बी रेडियन डिवाइड बाय सेकंड। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल करें आप, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड ओमेगा ऑफ सेकेंड्स एंड मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक। मतलब एक घड़ी है, घड़ी, उसके सेकेंड वाली जो सुई होती है और मिनट वाली जो सुई होती है वो गोल गोल घूम रही होती है, गोल गोल घूम रही होती है, उन दोनों का ओमेगा निकालना है, क्या करना चाहिए। सो देखें, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। तो सबसे पहले सेकेंड्स हैंड की बात करते हैं, सेकेंड्स हैंड, ओमेगा ऑफ सेकेंड्स हैंड, तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, सही बात है। तो अब देखो, मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 60 सेकेंड, सही है ना, 60 सेकेंड में सेकेंड वाली जो सुई है वो पूरा चक्कर काट लेती है, पूरा चक्कर, मतलब 2 पाई रेडियन एंगल कवर कर लिया ना उसने, टाइम हो गया 60 सेकेंड, उतने में एक चक्कर कंप्लीट किया, एक चक्कर मतलब 2 पाई रेडियन एंगल कवर कर लिया, तो यही हमारा आंसर हो गया। सो दिस विल बी पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड, दिस विल बी द आंसर, सही है। अगर हम मिनट्स हैंड की बात करें, मिनट्स हैंड की, तो मिनट्स हैंड का जो ओमेगा होगा उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब तो आप इसको बिल्कुल ही सोच लेंगे, ये एक चक्कर जब घूम लेगा, एक चक्कर, तो एंगल हो जाएगा 2 पाई रेडियन, एक चक्कर घूमने का मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, और उसमें टाइम कितना लगेगा, 60 मिनट में वो पूरा एक चक्कर काट लेगा, मतलब 2 पाई रेडियन एंगल कवर कर लेगा, तो यहां से जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय 60 into 60, और ऊपर रेडियन और नीचे अब सेकंड आ गया। ठीक, नाउ दिस विल बी पाई डिवाइड बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा हो जाएगा इसका, ये दिस आंसर। तो यहां पे देख सकते हो कि ये वाला जो ओमेगा आया है वो ज्यादा है, ये ज्यादा है पाई बाई 30, और ये जो ओमेगा ये बहुत कम है, ये ओमेगा ज्यादा आया है, ओमेगा ज्यादा, ऐसा क्या मतलब है कि जल्दी जल्दी घूमना, जल्दी जल्दी घूमना, तो सही बात तो है, सेकेंड वाली जो सुई होती है वो तो जल्दी जल्दी घूमती है, जल्दी जल्दी घूमती है, इसका ओमेगा कम आया है, ओमेगा कम होने का मतलब क्या है, धीरे धीरे घूमना, धीरे धीरे घूमना, तो सही बात है, मिनट वाली जो सुई होती है वो धीरे धीरे घूमती है, धीरे धीरे घूमती है, सही। ओके, तो अभी तक मैंने आपको वेलोसिटी का नाम बताया, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज लीनियर एक्सेलेरेशन एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो लीनियर एक्सेलेरेशन तो वही चीज होता है जो हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज डीवी अपॉन डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलेरेशन। वैसे आप समझ होंगे यहां पे हम एंगुलर एक्सेलेरेशन की बात करते हैं, एंगुलर एक्सेलेरेशन इज डिफाइंड एज, व्हाट डू यू थिंक, डी ओमेगा अपॉन डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे इस लीनियर एक्सेलेरेशन की कहानी होती है वैसी एंगुलर एक्सेलेरेशन की भी होती है। जैसे आप देखो, जब वन डायमेंशनल मोशन हो रहा होता है तो अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो जनरली इसका क्या मतलब होता है कि वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, चलने की स्पीड बढ़ रही है। एक्सेलेरेशन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी डिक्रीज होती है, कम होती है वेलोसिटी, और एक्सेलेरेशन अगर जीरो है तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सही। वैसा ही कुछ मतलब
एंगुलर एक्सलेशन का भी होता है। एंगुलर एक्सलेशन को जनरली अल्फा से डिनोट करते हैं, तो अल्फा पॉजिटिव है तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा। अल्फा निगेटिव है तो जनरली ओमेगा कम होगा, और अल्फा अगर जीरो है तो मतलब ओमेगा कॉन्स्टेंट रहेगा। जैसे जब हम फैन चलाते हैं, तो जब इस फैन को आप स्विच ऑन करोगे तो पहले धीरे धीरे घूमेगा, धीरे धीरे घूमेगा, फिर तेज 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 घूमने लगेगा, तो यानी इसका ओमेगा बढ़ रहा है, ओमेगा बढ़ रहा है। तो उस टाइम अल्फा को हम पॉजिटिव बोल सकते हैं, अल्फा पॉजिटिव, क्योंकि इसका ओमेगा बढ़ रहा होगा, ओमेगा बढ़ रहा होगा। ठीक, फिर कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, इसका ओमेगा कॉन्स्टेंट हो जाता है, फिर ये कॉन्स्टेंट ओमेगा के साथ घूमता है, फिर इसके घूमने की स्पीड बढ़ती नहीं है, घूमने की स्पीड बढ़ती नहीं है, कॉन्स्टेंट ओमेगा के साथ घूमता है। तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि अल्फा क्या हो गया इसका, जीरो, अल्फा जीरो है, क्योंकि ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है। और सपोज करो इसको स्विच ऑफ करते हो, तो स्विच ऑफ करने पे क्या होता है, इसका ओमेगा कम होने लगता है, पहले तेज 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 घूम रहा होगा, फिर धीरे 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 घूमेगा, धीरे धीरे घूमते 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 क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ओमेगा कम हो रहा है, ओमेगा कम हो रहा है स्विच ऑफ करने पे, ओमेगा कम हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं वहां पे अल्फा जो है वो निगेटिव। तो आपको समझ में आ गया वो क्या मतलब है अल्फा का पॉजिटिव निगेटिव या जीरो होने का। सो आप देख सकते हैं जैसे यहां पे डिस्प्लेसमेंट था लीनियर, वैसे यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहां पे लीनियर वेलोसिटी वैसे यहां पे एंगुलर वेलोसिटी, जैसे यहां पे लीनियर एक्सेलरेशन वैसे यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, एक और चीज हम देखते हैं विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, कि वन डायमेंशनल मोशन में हमने पढ़ा है काइनेमेटिक्स पढ़ते टाइम कि जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होता है तो कुछ इक्वेशंस होती है हमारे पास, कौन सी इक्वेशंस, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होने पे कुछ इक्वेशंस होती है हमारे पास, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद आ रहा होगा आपको, बहुत पॉपुलर इक्वेशन है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और एक और इक्वेशन होती है पॉपुलर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही, ऐसी इक्वेशन होती है अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो। वैसे यहां पर अगर अल्फा कॉन्स्टेंट है तो इक्वेशन बन जाती है, देखो इस इक्वेशन के जगह पे क्या आ जाता है, ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, फाइनल वेलोसिटी की जगह पे फाइनल ओमेगा, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे इनिशियल ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ रहे हो? वैसे इस इक्वेशन की जगह पे आप सोचो क्या होगा, फाइनल ओमेगा का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल ओमेगा का स्क्वायर प्लस टू अल्फा एस एस एस, ये डिस्प्लेसमेंट होता है ऐसे यहां पे, इसको एक्चुअली कई बार डेल्टा एक्स भी लिखते हैं, यहां पे क्या आएगा डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा। वैसे ये जो इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, उसमें भी ये जो एस है ना उसको डेल्टा एक्स लिखते हैं कई बार, डिस्प्लेसमेंट होता है क्योंकि वो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे आ जाएगा डेल्टा थीटा एक्स की जगह थीटा इक्वल टू यू, यू मीन्स इनिशियल ओमेगा इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो जैसे ये तीन इक्वेशंस होती हैं, ये डेफिनेटली आपको पता होगा, किसी को कुछ पता हो ना पता हो फिजिक्स में, ये तीन इक्वेशन तो जरूर पता होती हैं। तो उसी तरीके से एंगुलर वेरिएबल्स के लिए ये तीन इक्वेशंस होती हैं जिनका हम यूज करेंगे अभी एक दो क्वेश्चंस में, तो आपको और समझ में आएगा। ये छोटा सा एग्जाम्पल है बहुत ही, क्वेश्चन इज अ फैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ फैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 5 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 2 सेकंड, फाइंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 2 सेकंड। तो वो क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, वो दिया हुआ है कि ओमेगा इनिशियल, ओमेगा इनिशियल इज 0, फैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दिया हुआ है 5 पाई। ठीक, और टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड्स। आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मतलब पंखा कितने चक्कर घूम लेगा, कितने चक्कर घूम लेगा पंखा, ये बताना है। तो क्या करेंगे आप, पहले तो आप ये वाली इक्वेशन यूज कर लो, डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग वाली इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग वाली इक्वेशन। तो इससे पहले हम डेल्टा थीटा निकाल लेते हैं, डेल्टा थीटा। सो अब देखो ओमेगा इनिशियल जीरो हो जाएगा, हाफ अल्फा, अल्फा इज 5 पाई टी स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 10 पाई। तो डेल्टा थीटा 10 पाई रेडियन आ गया, 10 पाई रेडियन। तो देखो इसका मतलब है कि 5 रिवोल्यूशंस कंप्लीट हो रहे हैं, 5 रिवोल्यूशंस। आप समझ पा रहे हो कैसे, सोच के देखो, जब पंखा एक चक्कर घूम लेगा, एक चक्कर घूम लेगा, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, तो कितने एंगल घूम लिए उसने, 2 पाई। सही, एक चक्कर घूमने पे 2 पाई, दो चक्कर घूम लेगा पंखा, यानी दो रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितना एंगल, 4 पाई। तीन चक्कर घूम लेगा अगर पंखा, 3 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो 6 पाई। सही, वैसे जब वो 5 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो एंगल इज 10 पाई।
तो 2 सेकेंड्स में, 2 सेकेंड में पंखे ने 5 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनिशियल ओमेगा दिया हुआ है 10, अल्फा दिया हुआ है -5 पाई, फाइंड टाइम व्हेन ओमेगा बिकम्स 0, फाइंड टाइम व्हेन ओमेगा बिकम्स 0। सब देखें यहां पे जो इनिशियल ओमेगा दिया हुआ है वो पॉजिटिव है, आप देखो पॉजिटिव है, और अल्फा जो है वो निगेटिव है। ओमेगा पॉजिटिव होना और अल्फा का निगेटिव होना क्या बता रहा है आपको? इसका मतलब यह है कि ओमेगा जो है वो कम होने वाला है, कम होने वाला है। ऐसा ही तो होता है जब वेलोसिटी पॉजिटिव होती है और एक्सीलरेशन निगेटिव होता है तो क्या होता है, दोनों अपोजिट साइन के साथ होते हैं तो वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी कम होती है। बिल्कुल वैसा यहां पे भी होगा, ओमेगा पॉजिटिव है और अल्फा निगेटिव है, मतलब ओमेगा कम होने वाला है। तो कम होते होते कभी ना कभी ये ओमेगा जीरो हो जा रहा है, जीरो। कब ये ओमेगा जीरो होगा, किस टाइम पे, ये बताना है। ठीक, तो क्या करेंगे, सारी चीजें लिख लो जो दी हुई है। इनिशियल ओमेगा इज 10, अल्फा इज -5 पाई, फाइनल ओमेगा में क्या करना है, जीरो, और टाइम जो है वो हमें निकालना है। तो कौन सा फॉर्मुला यूज करना चाहिए, आप समझ गए होंगे, वी इक्वल टू यू प्लस एटी के कोरस्पॉन्डिंग वाला फॉर्मुला यूज होगा यहां पे। मतलब फाइनल ओमेगा इक्वल टू इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा इंटू टी। तो फाइनल ओमेगा इज 0, इनिशियल ओमेगा इज 10, अल्फा इज -5 इंटू टी। तो यहां से आप देखें जो टी है वो आ जाएगा क्लियरली 10 डिवाइड बाई 5 पाई, यानी 2 बाई पाई सेकेंड्स, ये टाइम आ जाएगा, दैट इज अवर आंसर। इतने टाइम पे ओमेगा जीरो हो जाएगा। सो आप देख सकते हो कि जैसे ये इक्वेशंस हम यूज करते थे वन डायमेंशनल मोशन में, वैसे ही ये इक्वेशंस भी यूज होती हैं सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम देखने वाले हैं। सपोज करो ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, अब किसी भी टाइम पे ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से चलते चलते यहां पहुंच गया, ठीक है, सर्कुलर पाथ घूम रहा है, यहां से चलते चलते यहां पहुंच गया। सपोज करो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, इसलिए मैं इसको डीएस लिख रहा हूं। डीएस लिखने का मतलब है कि ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, तो बहुत छोटा सा डिस्टेंस ने ट्रेवल किया, तो ये जो एंगल कवर हुआ होगा ये भी बहुत छोटा होगा, इसको मैं डी थीटा लिख रहा हूं। हालांकि ये एंगल देखने में छोटा नहीं लग रहा है और ना ही ये डिस्टेंस देखने में छोटी लग रही है, लेकिन है ये छोटे। मैं बड़ा इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, अगर मैं बहुत छोटा बनाऊंगा तो बना ही नहीं पाऊंगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये बहुत छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने, तो बहुत थोड़ा सा एंगल करूंगा डी थीटा। ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है सर्किल का, जिसको मैं आर बोल रहा हूं, ठीक। तो यहां पे ज्योमेट्री से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं जो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं, डीएस विल बी इक्वल टू आर डी थीटा। ये इक्वेशन है ज्योमेट्री की, यहां पे मैथ्स में आपने पढ़ी होगी। ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ जो होता है वो रेडियस इंटू एंगल होता है, रेडियस इंटू एंगल, इतना सही। तो ये ज्योमेट्रिक इक्वेशन है। अब इसको आप क्या करो, दोनों साइड डीटी से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, अब देखिए डीएस बाय डीटी हो जाएगी स्पीड, आर डी थीटा बाय डीटी क्या होगा, ओमेगा। तो ये इक्वेशन आ गए हमारे पास, एंड बिलीव मी दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसको हम बार बार यूज कर रहे होंगे। V इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, वेयर V इज स्पीड, R इज रेडियस ऑफ द सर्किल एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट इसमें गोल गोल घूम रहा होता है तो उसकी एक स्पीड होती है और एक ओमेगा होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, वो दोनों इस इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं। इस इक्वेशन में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है शुरू में, धीरे धीरे करके आपको ये इक्वेशन समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोज का फायदा उठा सके स्टूडेंट्स, राइट।